press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आप लोगों को आती होगी कोई सा प्रॉब्लम, कैसे 20 से बनाए क्वेश्चंस, और छोटे बच्चे को आती होगी प्रॉब्लम, बड़े को तो कोई टेंशन नहीं है, छोटे को आती होगी कोई प्रॉब्लम कि कैसे कैसे हम इसका डिफिनेशन बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम पूरी तरह से बताने वाले हैं कि डिफिनेशन कैसे बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजकिशोर कुमार, वेलकम टू आवर चैनल RDPS कॉम्पिटिशन एंड एजुकेशन। इन दिस चैनल वी हैव टू लर्न द क्लास 1 चैप्टर नंबर 9th, लेक्चर नंबर 1 साइंस। आज हम पढ़ेंगे कि चैप्टर नंबर 9th कीपिंग फिट, मतलब हमारा बॉडी कैसे मजबूत रहेगा, फिट रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। आज का लेक्चर में पूरी जानकारी देने वाले हैं जो बाद बाकी बच जाएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है पहला क्या है कि हम लोगों को जो फिट रखना है, टू कीप फिट एंड हेल्दी, हम लोग कैसे फिट और हेल्दी रह सकते हैं, हाउ टू वी कीप फिट एंड हेल्दी, ये लिख सकते थे क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है वी मस्ट ईट हेल्दी फूड। देखिए, हेल्दी या फिर आप लोगों को सही रहने के लिए, फिट रहने के लिए हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए, स्वस्थ खाना खाना चाहिए, अस्वस्थ नहीं, स्वस्थ खाना खाना चाहिए। उसके बाद ड्रिंक क्लीन वाटर, यानी हम लोगों को साफ पानी पीना चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद टू कीप आवर बॉडी एंड सराउंडिंग क्लीन, हमारे आस पड़ोस का जो होता है आसपास, उसको हम लोगों को साफ रखना चाहिए, हम लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ये सब हमारे बॉडी को फिट रखने में मदद करता है। तो चलिए, वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, हम लोगों को प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, 6 आवर का जो होता है स्लिप होता है उसको हम लोगों को लेना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए, और बच्चे को 8 घंटा का सोना जरूर अनिवार्य होता है। तो देखिए, आप लोगों को इतना तो करना अनिवार्य होगा। देखिए, अगर 6 आवर नहीं लेते हैं तो आप लोग अपने जीवन का, आप लोग क्लास 1 के बच्चे को कम से कम 8 आवर सोना चाहिए, उसके बाद ही और भी कोई काम कर सकते हैं। तो चलिए, डू एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। देखिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जैसे बताए थे योगा, ये सब जो बताए थे अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब होता कपाल भाती, ये सब होता योगा, मतलब योगा को बैठ के करता है। एक्सरसाइज एक अलग होता है कि हमारा बॉडी को फिटनेस रखने के काम करता है। जैसे कोई भी स्कूल में जाइएगा तो अगर उसका पीटी के टीचर होगा तो वो बताते होंगे कि एक्सरसाइज कैसा होता। तो उसके बाद प्ले आउटडोर गेम, यानी इंडोर गेम नहीं खेलना, जैसे लूडो ये सब छकरी नहीं खेलना, आप लोग खेलना है जैसे कैरम बोर्ड, ये सब तो खेलना ही नहीं है, खेलना है ब्रेन को वॉश करने के लिए सब खेलना होता है, लेकिन आप लोग आउटडोर जो गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम होता है कि जैसे बाहर जा खेलते हैं, जैसे क्रिकेट फुटबॉल, ये सब हमारा बॉडी को फिट रखने में मदद करता है, वॉलीबॉल ये हमारा पंजा को फिट रखने में मदद करता है, या फिर आप कराटे, ये भी एक आउटडोर गेम है, कराटे करते हैं तो ये भी आउटडोर गेम है, तो कराटे भी करने में आप लोगों को मदद होगा, और कराटे करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही सेल्फ डिफेंस करना सीख ले, इस जमाने में सेल्फ डिफेंस का बहुत ही जरूरत होने वाली है। तो इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि कुछ ना कर, मतलब पढ़ाई तो करें, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग कराटा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी ना किसी, हम नहीं कहते कि हम तो नहीं करवाते हैं, और भी कोई टीचर करवाते हैं तो उनसे सीखने का कोशिश करें, और नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाले उनको ये सेल्फ डिफेंस पता होगा। इसीलिए कोई जैसे मान लीजिए किसी को घेर लेगा, कोई भी जैसे अभी तो बच्चे हैं तो अभी आपका माँ बाप साथ में जाते हैं, लेकिन आप कॉलेज में जाइएगा तो आप लोग को माँ बाप साथ में नहीं जाने वाले, तो उस समय आपको खुद से डिफेंस करना और खुद से आप लोग डिफेंस सीख लीजिए, तो आप लोगों को आगे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। आउटडोर गेम बता दिए, उसके बाद क्या, हाउ टू कीपिंग फिट, मतलब वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है, वर्ड को चेंज किया, लैंग्वेज चेंज किया थोड़ा सा। तो कह रहा है वी कीपिंग फिट बाय फ्लोइंग एक्टिविटीज आर, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्टिविटीज से हम लोग, एक्टिविटी मतलब क्या, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा काम कार्य होता कि उसको कोई भी कार्य करने, मतलब कि जो जितना ज्यादा कार्य करेंगे उतना हम लोग फिट रहेंगे। वी नीड टू टेक रेस्ट एक्सरसाइज एंड प्ले टू
कीपिंग आवर सेल्स फिट एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए हम लोगों को एक्सरसाइज यानी रेस्ट लेना चाहिए, हम बताए कितना आवर, 6 to 8 आवर्स, उससे ज़्यादा रेस्ट ना ले। देखिए स्मार्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट बनना बहुत बुरी बात है, इसीलिए हम बताते हैं कि आप लोगों को 6 to 8 आवर लेना चाहिए एक्सरसाइज, हाफ आवर कम से कम आप लोगों को करना चाहिए हर दिन। उसके बाद क्या है, प्ले टू मतलब बताए थे आउटडोर गेम खेलना चाहिए कि हमारा आवर से मतलब हम अपने आप को मजबूत रख सकते हैं ये सब करके। तो चलिए आगे चलिए, अ गुड स्लीप आल्सो मेक अस फील फ्रेश एंड फुल एनर्जी। देखिए मतलब अच्छी नींद जो आती है, बहुत गहरी नींद आती है, हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा आनंद मिलती है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और फ्रेश फील करते हैं कि कोई भी काम करने में हमको मन लगता है। अगर जो जैसे मान लीजिए एक बार आपको नींद टूट जाता है, अगर पूरा गहरी नींद लिए हैं तो गहरी नींद 6 घंटा की नींद एनफ है, अगर जो आप वैसे नींद लेते हैं तो 12 घंटा की नींद भी पूरा नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा सोने से और भी बीमारी फैलता है और भी बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए ज़्यादा सोना भी नहीं है और कम भी नहीं सोना है कि हमारे बॉडी को खराबी पहुंच सकता है, तो कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, यानी मीडियम मतलब जितना बताया जा रहा है 6 to 8 आवर्स आप लोगों को सोना अनिवार्य है। तो चलिए अब क्या है उसके बाद क्या क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू व्हेन वी टायर्ड बाय वॉक एंड प्लेइंग ड्यूरिंग द डे। मतलब कि एक दिन में कोई भी एक दिन में हम लोग थक जाते हैं तो उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आया है। एक दिन में जैसे हम गेम खेलते क्रिकेट खेलते थक जाते, जैसे बैडमिंटन खेलते उसमें भी थक जाते हैं, वॉलीबॉल खेलते उसमें भी थक जाते, फुटबॉल खेलते उसमें भी थक जाते, कराटे करते उसमें भी थकते हैं, तो उस समय हमको क्या कर सकता है करना चाहिए, व्हेन वी टायर्ड देन वी मस्ट नीड टू टेक रेस्ट। जब हम थक जाते हैं तो समय थोड़ा सा नेप यानी मीन्स रेस्ट ले लेना चाहिए, हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छी, हमारे बॉडी लिए हमारा बॉडी के लिए बहुत अच्छी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज सराउंडिंग। देखिए सराउंडिंग का बात हुआ और यहाँ पे सराउंडिंग क्या होता है ये इसको बताने का मौका मिल गया, और ये क्वेश्चन आ गया कि इसको सराउंडिंग क्या होगा, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, इस लेक्चर के बाद आप लोग अच्छे से याद हो जाएगा सराउंडिंग क्या होता है। इट इज द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए सराउंडिंग क्या है, जैसे हमारे आसपास को होता है उसको सराउंडिंग कहते हैं, तो एक तरह से एनवायरनमेंट का पार्ट हुआ कि नहीं। हाँ एक तरह से एनवायरनमेंट पार्ट, दैट इज नियर और अराउंड समथिंग इज कॉल्ड सराउंडिंग। हमारे आसपास में कुछ रहता है, जैसे कोई भी रहता है कुछ भी रहता है तो उसको हम लोग अपने आप का सराउंडिंग कहते हैं। तो जैसे हमारे आसपास में जैसे ये हमारा सराउंडिंग में क्या क्या है पूछेगा, तो जैसे हमारे सराउंडिंग में बहुत कुछ है, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि फील्ड है, इधर में घर है दूसरे का, इधर में भी घर है, इधर भी है, और भी सराउंडिंग में हम लोग देखते हैं कि जैसे हम जो घूमते हैं वहाँ पर भी दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, गाड़ी घोड़ा बकरी ये सब, कोई भी एनिमल होता है उसको हम लोग सराउंडिंग में ही लेते कॉन्टेक्ट। व्हाट आर द रोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए वाटर का रोल पूछ रहा है कि वाटर का रोल क्या होता है, आज हम बताएंगे। आवर बॉडी वाटर इन ऑल इट्स सेल, मतलब कि हम आवर बॉडी यूज वाटर इन ऑल इट्स सेल्स ऑर्गन्स एंड टिश्यू टू रेगुलर टेम्परेचर एंड मेंटेन फंक्शन। देखिए हमारा बॉडी जो वाटर को प्रयोग करता है और हमारा बॉडी को के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बॉडी में 70% वाटर है, बाद बाकी तब कुछ और भी मटेरियल है। हमारा बॉडी जो होता है यूज करता है वाटर हर एक सेल में, हर एक ऑर्गन और हर एक टिश्यू में, सेल ऑर्गन टिश्यू क्लास 9th में पढ़ेंगे, और 9th में मैं ही पढ़ाने वाला हूँ पूरा, और आप लोग जी जान लगा पढ़िएगा। टू रेगुलेट टेम्परेचर एंड मेंटेन फंक्शन, कि हमारा बॉडी में जो टेम्परेचर होता है
उसको मेंटेन रखने के लिए, और भी कोई काम होता करता है तो उसको मेंटेन रखने का काम करता है। वाटर हेल्प अस टू, वाटर हेल्प्स टू बाथिंग एंड वॉशिंग आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, मतलब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वाटर से हाथ एक बार धो लेना चाहिए और नहा लेना चाहिए, हर रोज स्नान करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज स्नान करना चाहिए कि आपके बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको बॉडी के टेम्परेचर के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। उसके बाद इट हेल्प्स टू टेक पार्ट इन पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखिए वाटर को जो है, वाटर जो पार्टिसिपेट लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, हमारा प्लांट्स जो करता है उसमें जो फूड बनाता है उसमें वाटर का बहुत ही जरूरत रोल होता है और बहुत ही अच्छे से रोल निभाने का काम करता है, तो वाटर का बहुत ही जरूरत पड़ जाता है। तो चलिए, इट हैज टू क्लीन आवर सराउंडिंग, और वाटर वाटर से ही हम अपने आसपास को क्लीन करते हैं और अच्छे से धोते हैं और अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं। उसके बाद क्या, इट हेल्प्स टू क्लीन आवर हाउस, वाटर से हम लोग अपने घर का भी साफ सफाई करते हैं। वाटर हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जैसे मान लीजिए डैम बनाता है, कोई भी डैम बनाता है, उसमें जो फोर्स से जो पानी आता है टरबाइन को घुमाता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये आगे क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता, इलेक्ट्रिक करेंट क्या, ये सब बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना जाने के वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। वाटर पार्टिसिपेट इन द इरीगेशन आवर क्रॉप्स, जैसे हम अपने क्रॉप्स यानी अपने एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स लगाते हैं उसमें जो है वाटर जो इरिगेशन में मदद करता है, यानी मतलब पटाने में, खेत को पटाने में वाटर का बहुत ज्यादा अच्छा रोल होता है। अब क्या, व्हाट इज ड्रिंकेबल वाटर, देखिए पीने वाला पानी किसको कहेंगे, जो वाटर, इट इज द वाटर इन विच द वाटर ड्रिंक इज कॉल्ड वाटर ड्रिंक और क्लीन, ऐसा वाटर जो ड्रिंक करने लायक हो और क्लीन हो, साफ सुथरा, उसको क्या कहते हैं, ड्रिंकेबल वाटर कहते हैं। तो देखिए खान सर और नेक्स्ट वीडियो बनाए हैं वेपन्स के बारे में, इस बार बताया कि थल सेना किसका मजबूत है, चाइना या फिर इंडिया का, इसमें खान सर बहुत अच्छे से बताए हैं, और खान सर का वीडियो का भी लिंक हम अपने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो खान सर का भी वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा कम से कम इंडिया और चाइना के बीच कितना किसका पावर है, यानी आर्मी में कितना कौन सा पावर है, कब कैसे क्या करता है, ये आप लोगों को अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आप लोगों को यहीं पे अपना वीडियो हम यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।